इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड मैथमेटिक्स का चैप्टर 11th एरिया रिलेटेड टू सर्कल का कंप्लीट कॉन्सेप्ट सिर्फ 10 मिनट में सीखेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे हम आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर ला सके। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू क्या होता है, टू पाई आर। आर क्या होता है, रेडियस। पाई क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का वैल्यू होता है 22/7 और 3.14। जैसे सर्कमफ्रेंस पर एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, तो ए और बी के लेंथ को हम लोग आर्क कहेंगे, ठीक है। तो आर्क जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है माइनर आर्क, दूसरा होता है मेजर आर्क। अगर हम माइनर आर्क का बात करें तो माइनर आर्क छोटा होता है और मेजर आर्क बड़ा होता है। अगर हम इस सर्कल में बात करें तो ए और बी, मान लेते हैं यहां पर एक पॉइंट डी है ना, तो ए डी बी ऊपर में एक आर्क लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा, माइनर आर्क हो जाएगा। इसी प्रकार मान लेते हैं यहां पर एक पॉइंट सी है, तो ए सी बी, ए सी बी ऊपर में एक आर्क लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा, मेजर आर्क हो जाएगा। मान लेते हैं कि माइनर आर्क सेंटर पर थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, तो माइनर आर्क बराबर क्या होगा, सेंटर पर जब 360 डिग्री का एंगल होता है तो सर्कमफ्रेंस का लेंथ होता है 2πr। जब सेंटर पर 1 डिग्री का एंगल बनेगा तो सर्कमफ्रेंस का लेंथ क्या हो जाएगा, 2πr/360। वही जब सेंटर पर थीटा डिग्री का एंगल बनेगा तो सर्कमफ्रेंस का लेंथ क्या हो जाएगा, 2πr/360 इंटू थीटा। तो इसको हम लोग थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr लिख सकते हैं। ये माइनर आर्क का फॉर्मूला होता है, इसको हम लोगों को याद रखना है। अब हम बात करेंगे मेजर आर्क का। मेजर आर्क बराबर होता है सर्कमफ्रेंस माइनस माइनर आर्क। अगर हम इस सर्कल में बात करें तो सर्कमफ्रेंस बराबर कितना हो जाएगा, 2πr माइनस माइनर आर्क बराबर कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। इस प्रकार से हम लोग मेजर आर्क निकाल सकते हैं। अब हम लोग एरिया ऑफ सर्कल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहां पर आर क्या है, रेडियस, पाई क्या है, कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 22/7 और 3.14। यहां पर ए बी एक आर्क है, इसको हम लोग सेंटर के साथ मिलाए हैं, तो जो क्लोज सरफेस बनता है इसको हम लोग माइनर सेक्टर कहते हैं। और बाकी जो बचा हुआ जो क्लोज सरफेस होता है इसको हम लोग मेजर सेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग माइनर सेक्टर का एरिया निकालेंगे, है ना, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। मान लेते हैं कि ए बी आर्क सेंटर पर थीटा डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। जब सेंटर पर 360 डिग्री का एंगल बनता है
तो टोटल एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। जब सेंटर पर 1 डिग्री का एंगल बनेगा तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। वही जब सेंटर पर थीटा डिग्री का एंगल बनेगा तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सेम इसी प्रकार एरिया ऑफ मेजर सेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर बराबर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसको और भी आसान लैंग्वेज में लिखे तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस थीटा अपॉन 360। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग सेगमेंट के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी सर्कल को कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो सर्कल दो भाग में बढ़ जाती है, एक छोटा वाला भाग और दूसरा बड़ा वाला भाग। छोटा वाले भाग को माइनर सेगमेंट कहा जाता है, बड़े वाले भाग को मेजर सेगमेंट कहा जाता है। सबसे पहले हम लोग माइनर सेगमेंट का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बराबर क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू। अब हम लोग एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का बात करें तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू। इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस, बेस मतलब पी क्यू इंटू हाइट। तो यहां पे मान लेते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, एच है, तो एच। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ओ से पी क्यू पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इस परपेंडिकुलर का लेंथ मान लेते हैं एच है, पी और क्यू का लेंथ मान लेते हैं 2a है। तो हम लोग जानते हैं कि सेंटर से किसी भी कोण पर जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो परपेंडिकुलर कोण को दो इक्वल भाग में डिवाइड करता है, और ये पॉइंट को हम अगर सी मान ले तो सी पी बराबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग अब इस एंगल का बात करेंगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। अब हम लोग इन ट्रायंगल ओ सी पी, ओ सी पी कहाँ है, यहाँ पे ओ सी और पी, अगर हम इस ट्रायंगल का बात करें तो साइन थीटा बाय 2 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए साइन थीटा बाय 2 बराबर होता है पी अपॉन एच। तो थीटा के सामने वाला साइड को क्या कहते हैं हम लोग, पी कहते हैं। तो पी इज इक्वल टू कितना है, ए। 90 डिग्री के सामने वाला साइड को क्या कहते हैं हम लोग, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू कितना है, आर, है ना। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया, आर साइन थीटा अपॉन 2। इसी प्रकार कॉस थीटा बाय 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है एच, हाइपोटेनियस आर। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो एच बराबर कितना होगा, आर कॉस थीटा अपॉन 2। अब हम लोग क्या करेंगे, ए और एच का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है,
तो इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो इसका कितना वैल्यू होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू पी क्यू। पी और क्यू का लेंथ कितना है, 2a इंटू एच। इसको और भी थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू टू, एक जगह पर हम लोग आर साइन थीटा बाय टू लिखेंगे, आर साइन थीटा अपॉन टू इंटू एच के जगह पर आर कॉस थीटा बाय टू लिखेंगे, आर कॉस थीटा अपॉन टू लिखेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर को गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर नीचे में कितना है, टू इंटू टू साइन थीटा अपॉन टू इंटू कॉस थीटा अपॉन टू। ठीक है, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन टू इंटू साइन थीटा माइनर सेगमेंट का एरिया हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोगों को याद रखना है। अब हम बात करेंगे मेजर सेगमेंट का। ठीक है, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट।